तो सबसे पहले हम दोनों को वेलकम करना चाहते हैं, दोनों लोगों को, कि आपने हमें चूज किया और हमारी डेमो क्लास में एनरोल हुए। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी क्लासेस जो है इसकी बेनिफिट्स क्या है। देखिए, सबसे पहले बेनिफिट्स है कि आप मेरे साथ लाइव जुड़े हुए, आप मुझे देख पा रहे हैं, मुझे सुन पा रहे हैं और आपको भी हम देख सुन पा रहे हैं, बिल्कुल क्लास रूम की तरह। 2 से 3 लोग हमारे बैच में होते हैं, कोई बड़ा बैच भी नहीं होता है, और हम आपकी जरूरत के हिसाब से आपको ट्रेनिंग देते हैं। क्योंकि हमारे पास सबके सब जो आते हैं वो बेसिकली प्रोफेशनल्स होते हैं, और हम एक्सपर्ट लेवल की जो क्लासेज है वो एक्सपर्ट लेवल की क्लासेज ही देते हैं हमारे यहाँ। इसलिए हमारे यहाँ स्मॉल साइज का बैच होता है, ताकि हम आपको पूरी तरह से सुने, आपकी प्रॉब्लम को समझे और उस पे आपकी प्रतिक्रिया दे। अगर मैं 20-25 लोगों का बैच कर दूं तो क्वेश्चन में ही पूरा टाइम निकल जाता है, इसलिए मेरा 2-3 लोगों का बैच होता है। हर क्लास लाइव होती है, साथ में उसकी रिकॉर्डिंग आप भी कर सकते हैं अगर आप सिस्टम में ज्वाइन करते हैं तो, और मेरे पास भी होती है। तो हर दिन आपको क्लास की रिकॉर्डिंग, उसके नोट्स, उससे रिलेटेड होमवर्क, उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट आपको मिलेगा टाइम टू टाइम, जब जिसकी जरूरत पड़ेगी तब। साथ में टेलीफोनिक सपोर्ट रहेगा कि आप जब प्रैक्टिस कर रहे हैं या कुछ काम कर रहे हैं, आपको कहीं स्टक हो जाते हैं, कहीं रुक जाते हैं, आपको लगता है कि मेरी सपोर्ट की जरूरत है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, हम आपको फोन पे समझाएंगे क्या प्रॉब्लम है। दूसरी चीज, क्वेश्चन की कोई बाउंडेशन नहीं है, आप क्वेश्चन कभी भी पूछ सकते हैं और जितना मर्जी उतना पूछ सकते हैं, क्योंकि आपके क्वेश्चंस मेरे लिए लर्निंग अपॉर्चुनिटी होता है। तो कोई डाउट आया तो ये नहीं कहना कि हाँ बाकी इंस्टीट्यूट की तरह मैं कोई अलग से डाउट क्लास नहीं रखता। क्यों? क्योंकि अभी आपके मन में एक सवाल आया, अब वो सवाल डाउट क्लास तक रहेगा, इसकी गारंटी थोड़ी है, बीच में वो भूल जाइएगा या इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। इसलिए हम डाउट उसी समय आपकी सॉल्व कर देते हैं। तो टेलीफोनिक भी रहता है और क्लास के साथ भी आप अपने जो सवाल हैं वो पूछ सकते हैं। अब चलिए हम बात करते हैं वीवीएम माइक्रो प्रोग्रामिंग। तो मैं अपने एक्सेल का ये दे रहा हूं, स्क्रीन आप देख पा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वीवीए। वीवीए इसका फुल फॉर्म होता है विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। इसकी मदद से हम क्या करते हैं, इसकी मदद से हम कोई सॉफ्टवेयर नहीं बनाते। क्यों? क्योंकि सॉफ्टवेयर बनाने के लिए वीवी डॉट नेट है, वीवी स्टूडियो है, और आपका VV6 के जरिए भी बनता है, तो वो अलग चीज है। लेकिन हम जो है वीवी के मदद से हम एक्सेल पे बनाते हैं माइक्रोस। अब माइक्रोस से आप कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मन में होता है कि जो हम रिकॉर्ड करते हैं वो माइक्रो कहलाता है, जिससे हम रिकॉर्ड करते हैं उसको हम माइक्रो कहते हैं, और जिससे जो हम कोडिंग करते हैं उसको हम वीवीए कहते हैं। आप इस कंफ्यूजन के पहले दूर कीजिए, क्योंकि जब माइक्रो हम रिकॉर्ड करते हैं या हम माइक्रो कोड करते हैं, दोनों केसेस में वीवीए लैंग्वेज का यूज होता है। इसी एग्जाम्पल के लिए, हमने रिकॉर्ड पे क्लिक किया और मैं H1 पे गया या H2 पे गया, मैंने यहाँ लिख दिया नेम। तो इसने क्या, रिकॉर्ड माइक्रो ने क्या किया, एक माइक्रो बनाया, देखिए माइक्रो 1 बनाया, और उसके अंदर इन्होंने एक कोडिंग लिखी, देखिए कि H2 डॉट सिलेक्ट, ये जो कोडिंग लिखी इसी को हम वीवीए लैंग्वेज कहते हैं। अगर मान लीजिए कि मुझे अगर माइक्रो बनाना होगा तो मैं भी कुछ इसी तरह से सब्जेक्ट बनाऊंगा और इसी तरह से लिखूंगा कि रेंज के 2 डॉट वैल्यू, वैल्यू इक्वल टू सिटी। तो अब क्या होगा कि ये दोनों में जो प्रोग्रामिंग है मैंने खुद से बनाया है और ये रिकॉर्ड किया गया, दोनों काम सेम है। अगर मैं इसको रन करता हूं, अगर मान लीजिए मैंने माइक्रो 1 को रन किया, तो H2 पे जाके नेम लिख देगा। अगर मैंने वापस, अगर हम RR12 को रन किए, तो एक K2 में जाके सिटी लिख देगा, दोनों में कोई फर्क नहीं। अब आप बोलेंगे सर रिकॉर्डिंग माइक्रो में कोड ज्यादा था, तो रिकॉर्डिंग माइक्रो जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज को फॉलो करता है, और कोडिंग करते समय जितना जरूरत उतना कोड हम लिखते हैं,
सेम उसी तरह से जैसे आप बॉस से छुट्टी मांगना है, तो अगर आपको ऐसे ही बोलना है तो जाके बोलेंगे कि बॉस मुझे कल छुट्टी चाहिए, ये तो नहीं बोलेंगे कि सेवा में श्रीमान सखा प्रबंधक महोदय, या इंग्लिश में टू टू द रिस्पेक्टेड सर डियर मैनेजर वगैरह, लेकिन किजुअली बोलेंगे। लेकिन जब उसी चीज को डॉक्यूमेंट करना हो तो एक ऑफिशियल लैंग्वेज यूज की जाती है। सेम जब रिकॉर्डिंग रन होती है तो पूरी की पूरी स्टेप्स को फॉलो करती है, लेकिन जब हमें कोट करते हैं तो हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, काम के हिसाब से कोट कर देते हैं, लेकिन दोनों होता मैक्रोज ही है। अब मैक्रोज का बेनिफिट क्या है? देखिए, मैक्रो का बेनिफिट है कि जो काम आप घंटों में कर रहे हो उस काम को वो विद इन सेकेंड में करते हैं। आप पूछेंगे सर एग्जाम्पल क्या है बताइए, तो चलिए हम आपको कुछ फाइल्स दिखाते हैं। अभी हाल में ही हमने एक दो स्टूडेंट के साथ हम डिस्कस किए हैं, उसी को बताते हैं। जैसे कि एक प्रोजेक्ट मैंने कुछ दो दीपावली से पहले बताया था कि मेरे पास कई सारे सीड्स हैं और इस सीड्स के अंदर डेटा है, मुझे हर दिन सबका डेटा कॉपी करके एक सीट के नीचे एक के नीचे एक के नीचे लाना होता है। मेरे पास फाइल मिलते हैं, फाइल में 30, 100, 200 ऐसे सीट्स होते हैं और सब पे डेटा अलग अलग शीट पे होता है। डेटा का फॉर्मेट सेम होता है पर डेटा अलग अलग होता है, और हर हर सीट का डेटा मुझे एक के नीचे एक के नीचे कंपाइल करना होता है ताकि हम उसके ऊपर अपना रिपोर्ट बना सके। तो यहाँ पे मदद करता है मुझे वीवीए प्रोग्रामिंग। अब ये हर दिन का काम है, हर दिन मुझे एक आध घंटा देना पड़ता है, तो यहाँ हम माइक्रोज में जाते हैं और माइक्रोज में जाने के साथ हम अपने माइक्रो को रन कर देते हैं। जी हाँ, इसको लिए और रन करते हैं। आप देखेंगे कि कुछ ही सेकेंड्स में सारा डेटा इसने कॉपी पेस्ट कर दिया, चाहे एक सीट का हो चाहे 100 सीट का हो, डेटा एक ऑटोमेटिकली एक के नीचे कॉपी पेस्ट कर देगा। तो ये इसी तरह का काम आप कर सकते हैं कि आपके पास अगर कोई काम है जिसको करने में काफी टाइम लगता है या लेंदी है, अगर आप मैनुअल करने जाएं तो काफी टाइम लगेगा, ऐसे काम को आप जो है इसकी मदद से, माइक्रोज की मदद से तुरंत कर सकते हैं। दूसरा पार्ट होता है, वो आता है फंक्शन, मतलब कि फॉर्मूला। फॉर्मूला मतलब कि आप यहाँ पे वी लुकअप एच लुकअप जैसे जो फॉर्मूला होता है, ये खुद से इसकी फॉर्मूला बना सकते हैं। आप बोलेंगे सर ऑलरेडी एक्सेल में 500 से ऊपर फॉर्मूले हैं, ये सारे फॉर्मूले तो हम सीख ही नहीं पाए, और आप बोलते हैं खुद के फॉर्मूले। देखिए, खुद के फॉर्मूले का मतलब है कि अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, क्योंकि इसमें दी गई फॉर्मूला आपके रिक्वायरमेंट से 100% मैच करे इसका कोई गारंटी नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वी लुकअप को ही ले लें, तो वी लुकअप जो है मल्टीपल डेटा को लुकअप नहीं करता है, लेफ्ट टू राइट नहीं जाता है, कई एक से ज्यादा शीट पे इसका वर्क नहीं करता है। तो यहां जो है आप अपने लिए एक फॉर्मूला बना लें ताकि ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व करे और वी लुकअप के जैसा आपका वर्क हो, तो इस तरह के फॉर्मूले बनाते हैं। उसके बाद आता है यूजर फॉर्म, मतलब कि इंटरफेस, पॉपअप बनाना। अब पॉपअप कैसा, तो चलिए आपको हम एक दिखाते हैं, एक और रिपोर्ट ओपन करके। जैसे कि हमने इस फाइल को खोला तो आप देखेंगे कि एक यूजर फॉर्म में खुल के आएगा कुछ इस तरह से। शो डेटा पे क्लिक करेंगे तो वापस हमारे डेटा पे पहुंच जाएगा। तो यहाँ अगर हम इसकी बात करते हैं, जाते हैं डेटा पे, अब मैं यहाँ विजुअल बेसिक पे देखें तो यहाँ पे आपको यूजर फॉर्म दिखता है, ये बनता है और ये डेटा एंट्री होगा, इसमें हम एडिट पे क्लिक करेंगे तो पॉपअप आएगा और यहाँ से हम एक वैलिडेट एंट्री कर सकते हैं या जो भी करना चाहे हम वो कर सकते हैं, इस पे एक वैलिडेट हो गया। तो इसका यूज हम लोग करते हैं अपने रिपोर्ट्स में ताकि इजिली हम इसका यूज कर सकें।
इसके अलावा बहुत सारे, जैसे मान लीजिए कोई रिपोर्ट है उसके मेल बॉडी पे आप पेश करना चाहते हैं, या फिर आपके पास एक लिस्ट ऑफ ईमेल आईडी है वहाँ पे आपको डेली बेसिस पे 100-200 लोगों को मेल करना होता है, कर सकते हैं। इवेंट प्रोग्रामिंग, जैसे मैं देखिए जहाँ भी क्लिक कर रहा हूँ उसी का रिपोर्ट यहाँ बन रहा है, देखिए। इसके अलावा जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा ओम एंटर प्रेस किया, तो जब डेट एंड टाइम ऑटोमेटिकली यहाँ आ जा रहा है। तो इस तरह की चीजें हम यहाँ पे करते हैं आसानी से, मतलब जो काम एक्सेल में पॉसिबल नहीं है, जो काम आपके एक्सेल में पॉसिबल नहीं है या पॉसिबल है तो उसके लिए आपको लेंथी प्रोसेस को, मैनुअल प्रोसेस को करना जूझना पड़ता है, तो उस केस में हम इसका यूज करते हैं वीबीए प्रोग्रामिंग। तो सिंपल सी बात समझ लीजिए कि आपके क्लासेस में जब हमारे पास अगर कुछ इस तरह का काम है जो डेली बेसिस पे रिपीटेड है, या है तो एक ही बार लेकिन काफी लेंदी है, उस केस में इसका यूज हम करते हैं। अब बात करते हैं कोर्स की। जैसे कि आपको मैंने पीडीएफ फाइल भेजी भी है और दोबारा हम दिखा भी देते हैं कि हमारी जो क्लासेस है वो क्लासेज, एक तो आपको मंडे टू फ्राइडे, जी हाँ मंडे टू फ्राइडे चलता है, और ड्यूरेशन 45 मिनट टू 1 आवर का ड्यूरेशन होता है। अब ये 45 मिनट टू 1 आवर क्यों बोलो, मैं एग्जैक्ट 1 आवर या 45 मिनट क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि सर ये लाइव क्लास है, ये कोई रिकॉर्डेड क्लास नहीं है जो कि एक फिक्स टाइम, लाइव क्लास की जो टाइम ड्यूरेशन होती है वो ड्यूरेशन एवरेज होती है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि आपने एक सवाल पूछ दिया, वो सवाल लंबी है तो हो सकता है कि टाइम 1 घंटा चला जाए। आपने कोई सवाल नहीं पूछा तो टॉपिक जो है आपका खत्म हो गया, 40 मिनट में या 35 मिनट टॉपिक आपकी खत्म हो गई, तो वहां पे हम ब्रेक ले लेते हैं, फिर मेरे क्लासेस के बाद फिर आपकी प्रैक्टिस शुरू हो जाती है, और प्रैक्टिस आपको कम से कम 2 घंटा डेली करना है। तो आपको जो मैंने भेजा था उसी कोर्स के यहाँ पे देखिए, बेसिकली इसमें 5 मेन सेक्शन है, माइक्रो प्रोग्रामिंग, इवेंट माइक्रो प्रोग्रामिंग, आपका फंक्शंस क्रिएशंस, यूजर फॉर्म क्रिएशंस और अदर एप्लीकेशन कनेक्टिविटी। अगर डिटेल में देखा जाए तो 14 इसके अंदर टोटल पार्ट्स है। बेसिक माइक्रो प्रोग्रामिंग है, अप्लाई कंडीशंस है, लूप्स है, इवेंट माइक्रो प्रोग्रामिंग है, माई वीवीए माइक्रो फंक्शंस है, एडवांस फॉर्मूला है, चार्टिंग एंड डैशबोर्ड रिपोर्ट ऑटोमेशन विद वीवीए है, यूजर पिवट टेबल ऑटोमेशंस है, यूजर फॉर्म है, पिक्चर और इमेज ऑटोमेशंस है, एसक्यूएल डेटाबेस कनेक्टिविटी है, डेटाबेस कनेक्टिविटी और एप्लीकेशंस है, रिपोर्ट ऑटोमेशन विद वीवीए है, डैशबोर्ड ऑटोमेशन विद वीवीए। ये हाईलाइट्स है। अगर इसके टोटल कंटेंट जानना चाहते हैं तो इसकी पीडीएफ जो मैंने आपको व्हाट्सएप की है उसके अंदर आपको मिल जाएगी। तो टोटल इसके अंदर आपको 11 चैप्टर्स हैं, इसके अंदर हम डिटेल में दिए हुए हैं, और हर सेक्शन में आप देखेंगे आपको एक लाइव प्रोजेक्ट मिलेगा। जी हाँ, हर सेक्शन में हम एक लाइव प्रोजेक्ट रखते हैं। अब ये लाइव प्रोजेक्ट आपकी ऑफिस का भी हो सकता है या मेरा जो होता है वो भी रख सकते हैं, मतलब कि आपको ऐसा लगा कि इससे रिलेटेड आपके पास एक काम है तो आपके काम को हम अपने अपने क्लास का अपने क्लास का जो है एक बना देते हैं, टॉपिक बना देते हैं। राइट सर, क्लियर है? यस और आपको सर विष्णु जी, कोई डाउट? तो अब हम टाइमिंग की बात कर लें। अगर आप मंडे टू फ्राइडे अगर कल से बैच ज्वाइन करना चाहे तो मेरे पास 2 टाइमिंग आपके लिए अवेलेबल है। पहला तो 11 AM जो भी खाली था वो ले सकते हैं, 10 AM भी हमारा खाली है, और शाम में बात करें तो 5 PM का टाइम खाली है, और नाइट में 10 PM, ये टाइमिंग मेरे पास अभी फिलहाल अवेलेबल है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिए कि आपके पास आपको आपके जो एक्सेल की जो नॉलेज है वो अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास एक्सेल की नॉलेज अच्छी नहीं है तो फिर थोड़ा सा मुश्किल होगा।
क्यों? क्योंकि कोई भी काम हम जब करते हैं तो उसमें हमारा एक्सेल जो है वो इम्पोर्टेंट होता है। देखिए हमें बोलता है कि हम बीवीए के यूज कब करें, तो हम दो केसेस बताते हैं कि पहला रिपीटेड जॉब, ऐसा काम जो बार बार करना पड़े। दूसरा हम बताते हैं लेंदी जॉब, ऐसा काम जो आया तो एक ही बार है लेकिन इतना लेंदी है कि काफी टाइम उसमें इन्वेस्ट हो सकता है, उस केस में हम करते हैं। उसके बाद बात आती है कि हम किसके लिए करेंगे। आप अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो वीपी माइक्रो प्रोग्रामिंग को आप यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन किसी और के लिए करते हैं तो क्या होता है कि आपके पास जो माइक्रो का सिक्योरिटी होता है ना वो बाय डिफॉल्ट डिसेबल होता है, बाय डिफॉल्ट डिसेबल होता है। तो जो डिसेबल आप देख पा रहे हैं इससे प्रॉब्लम क्या होता है, ये बाय डिफॉल्ट यहाँ से डिसेबल होता है, मैंने अनेबल किया हुआ है, तो आपका माइक्रो बाय डिफॉल्ट रन नहीं होता है तो उसको अनेबल करना होता है। तो किसी को आपने मेल किया, किसी को आपने एक रिपोर्ट मेल किया और उस रिपोर्ट में आपने यूज किया हुआ है वीवी मैकअप, और वो वीवीए से फैमिलियर नहीं है तो जैसे ही ओपन करेगा उसको दिखाएगा सिक्योरिटी वार्निंग। जब वो सिक्योरिटी वार्निंग उसको दिखाया तो अगर वीवीए नहीं जानता है तो वो समझेगा कि इसमें एरर है, इसलिए वो तुरंत क्या करेगा, फाइल को क्लोज करके आपको मेल या फोन करेगा, फिर आपको समझाना पड़ेगा। अब 100 में 30 लोगों के पास ऐसा हो गया, 30 लोगों को डेली मैंने बराबर हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हम बात करते हैं कि पहले आपकी प्रेफरेंस होनी चाहिए कि ये काम एक्सेल से हो जाए। अगर एक्सेल से नहीं होने वाली है, एक्सेल फॉर्मूले से नहीं होने वाली है, देन हम वीवीए इस्तेमाल करते हैं। और दूसरी चीज, वीवीए प्रोग्रामिंग आपका जो है सिर्फ डेस्कटॉप एप्लीकेशन पे वर्क करता है, आपके बहुत सारे ऑफिस स्टाफ हैं जो कि सिस्टम पे नहीं करके मोबाइल पे या टैब पे देखते हैं तो उनको वीवीए का जो कंपोनेंट है, वीवीए के जो फीचर्स है वर्क नहीं करते। इसलिए जब भी कोई रिपोर्ट बनाए तो उसमें वीवीए फीचर लगाने से पहले सोच लें, उसको अवॉइड करें। सो विनोद जी एंड विष्णु जी, कौन सा टाइम आपके लिए सुटेबल रहेगा, 11 बजे का सुटेबल है?